अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो कोई व्लॉगिंग वीडियो या कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए है। दिल्ली में एक लड़की तकरीबन 2 महीने पहले पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन की थी, और मैं आपको बता दूं कि कुछ वहशी दरिंदों ने अपने माँ बाप के नाजायज़ औलादों ने इन्हें रेप करके मार दिया है। इनके साथ एक ऐसी नाइंसाफ़ी हुई और इतना गलत हुआ कि क्या बताऊँ भाई, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ इतना गलत हुआ है। लेकिन यहाँ पर साबिया सैफी के माँ बाप को इंसाफ नहीं मिल रही है। इन दरिंदों ने साबिया सैफी के साथ इतनी घिनौनी हरकत की है, मुझे बताने में दिक्कत आ रही है भाई, सही में। तो आप ये छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए, इसमें साबिया सैफी के भाई बता रहे हैं कि उनके बाड़ी के प्राइवेट हिस्सों के साथ उन दरिंदों ने कितना घिनौना काम किया है। यहाँ से चाकू गोता गया मुंह से और यहाँ को चाकू निकाला गया, गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह से। जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यानी मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से, कोई अंक नहीं छोड़ा जहाँ पर चाकू नहीं मारा उसका। मैं अपनी बहन राबिया के लिए इस टाइम आप लोगों से मदद मांग रहा हूँ, आप लोगों से बहुत ज़्यादा मदद की गुहार करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और आप लोगों को पता है कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। दोस्तों आपने ये वीडियो देख ही लिया है कि इस लड़की के साथ कितना बुरा हुआ है। इस लड़की के साथ इतना बुरा होने के बावजूद भी पुलिस ने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया और सरकार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आपसे यही कहना चाहूंगा कि साबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए आप भी कोशिश कीजिए, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इनके माँ बाप भाई इंसाफ के लिए इतने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ये तो भला पुलिस वाली थी, इस देश के अंदर एक पुलिस वाली सेफ नहीं रह सकती तो आम लड़की कैसे सेफ रह सकती है, ये आप ही मुझे बताइए। तो उनकी जगह हमारी बहन या हमारी कोई रिश्तेदार होती तो क्या हम उसके सपोर्ट में खड़े नहीं होते थे? तो प्लीज भाई मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप अगर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें इसकी खबर तक नहीं है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आपको मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।